अब सेकेंड लास्ट टॉपिक, अब मेरे ख्याल 10-12 मिनट में इंशाल्लाह ये कंक्लूड हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, बड़े आराम के साथ, क्योंकि दो चीजें रह गई इसको समझ लें। पहली चीज कुस्तुनतुनिया वाली बिशारत, जिसकी वजह से डॉक्टर जाकिर नायक को मैंने ये मेल की। इंशाल्लाह मेरी, मुझे उम्मीद है कि उसने जो खामोशी इख्तियार की है तो वो इंशाल्लाह इसका मतलब है कि इल्मी दलाइल पर उसने रुजू कर लिया होगा। अल्लाह करे कि वो एलानिया तौर पे भी रुजू कर ले। कि कुस्तुनतुनिया वाली बिशारत यजीद बिन माविया पर चश्मा करना इल्मी गलती है। ये गलती इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 728 हिजरी उनसे हुई, और वो फिर आगे चलनी शुरू होगी। बुजुर्ग तो सारों को प्यारे होते हैं, गलतियां को कर गए पीछे ये डिफेंड करते फिरते हैं सारे। अशरफ थानवी जो कुछ करके गए देवबंदी डिफेंड कर रहे हैं, अहमद बरेलवी साहब जो जुल्म करके गए बरेलवी डिफेंड कर रहे हैं, अहले हदीसों के जो बुजुर्ग जुल्म कर गए हैं वो उनको डिफेंड कर रहे हैं। इल्ला माशाल्लाह जो अहले हक हर जगह मौजूद है, जो कहते हैं किताब सुन्नत इजमा उज्जत है, बाकी बड़े से बड़े की बात जूती की नोक पे अगर किताब सुन्नत के खिलाफ है, ऐसे लोग मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस में ज्यादातर लोग ऐसे मौजूद हैं। इस लिहाज से मैं इन तीनों मकतबा फिक्र में इनको प्रायोरिटी पे मोहब्बत करता हूं कि कम अज कम इनको ये बात समझाना आसान है। अब ये लादा बदबख्ती है कि यजीदी भी सबसे ज्यादा इनके अंदर मौजूद है, तो इसीलिए मैं इनको झंझोड़ रहा हूं कि खुदा के लिए तुम अपना क्राइटेरिया वही रखो जो बाकी चीजों में रखते हो। तो सही बुखारी किताबुल जिहाद चैप्टर में 2924 नंबर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर के शहर को फतह करने के लिए जाएगा, कैसर का शहर उस वक्त कुस्तुनतुनिया था, इस वक्त इस्तंबोल है, इस्तंबोल कहते हैं टर्किश लैंग्वेज में इस्लाम इन अ बल्क, यानी इस्लाम का गढ़। तो ये फिर मुसलमानों ने जब फतह किया, ये बहुत बाद में फतह हुआ है, यजीद के मरने के भी 150-200 साल के बाद फतह कोई नहीं हुआ किसी से भी, मोहम्मद फातह सुल्तान मोहम्मद फातह ने फतह किया था। तो इस्तंबोल पे, इस्तंबोल अब उसका नाम रख दिया कुस्तुनतुनिया का, जिस तरह आज वेटिकन सिटी है रोम के अंदर ईसाइयों का गढ़, वहां पोप बैठता है, उस वक्त पोप बैठता था कुस्तुनतुनिया में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कैसर के शहर पर पहला लश्कर हमला करेगा, फतह नहीं, फतह तो बताया किसी से नहीं हुआ, ना साहबा से हुआ ना ताबीन से हुआ, तबा ताबीन के भी एंड के दौर में जाके हुआ, तो उनके लिए मगफिरत की बिशारत है। अब क्या जुल्म हुआ कि सही बुखारी में एक हदीस है जिसको जानबूझ के इस पे फिट कर दिया, वो हदीस आप सुन लें। उससे पहले मैं आपको बल्कि ये बताता हूं, सही बुखारी में किताबु तहज्जुद चैप्टर में 1186 नंबर हदीस है, या बात समझ लें इंशाल्लाह, कोई दुनिया का माई का लाल इसका जवाब नहीं दे सकता, बात इल्मी है। जो हलाक हुआ दलील से हलाक हुआ, जो जिंदा हुआ दलील से जिंदा हुआ, सूरह अनफाल की आयत है, सीधी सी बात है, 2 जमा 2 4 है भाई। दुनिया के सारे बुजुर्ग मिलके ना सूरज वापस पलटा दें और मुर्दे जिंदा कर दें और हमें कहें कि 2 जमा 2 5 हम मानेंगे नहीं, तो हम कुरान हदीस को कैसे गलत मान लें इन बुजुर्गों के कहने पर, इमाम इब्ने तैमिया के कहने के ऊपर या इब्ने कय्यिम के कहने के ऊपर, हम 2 जमा 2 5 मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि हजरत अली से दुआएं करना शुरू कर दें, शेख अब्दुल कादर जिलानी को पुकारना शुरू कर दें, नहीं, ये कनाबुदु ये कनस्तईन, ये किताबुल्लाह, ये पहली चीज है। तो ये 1186 नंबर हदीस किताबु तहज्जुद सही बुखारी, इसमें बड़ी लंबी हदीस है, उसमें यह है कि सईदना अबू यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हो रोम पर हमले के दौरान, जो इस वक्त टर्की है, कुस्तुनतुनिया पर हमले के दौरान उस लश्कर में मौजूद थे जिस लश्कर का सपा सलार यजीद बिन माविया था, और उस लश्कर में हजरत अबू यूब अंसारी फौत हो गए। ये अल्फाज हैं बुखारी के, हजरत अबू यूब अंसारी फौत हो गए। अब फौत होने के बाद दोबारा कब्र से निकल के जिंदा होना ये किताबो सुन्नत में तो कहीं नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों ने मनगढ़ंत वाकयात बनाए हुए हैं तो वो लादा बात है, अब उन्हीं वाकयात पर अगर अमल करना है अहले हदीसों ने भी, तो फिर उनको मुबारक हो, अपना कीदा खराब कर लें कि मरने के बाद भी कोई जिंदा हो सकता है। तो अबू यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो उस लश्कर में फौत हो गए जिसका सरबरा कौन था, यजीद बिन माविया। तमाम अस्मा और रिजाल की किताबें उठाएं, अबू यूब अंसारी 54 हिजरी में फौत हुए, 54 हिजरी में, और वो 7वां लश्कर था जो इसमें बुखारी ने लिखा 7वां था, वो मैं बताता हूं कैसे पता चला 7वां था। यह तो मैं साबित कर दूंगा पहला कोई नहीं था, क्योंकि पहले का तस्करा भी हदीस की किताब में मौजूद है, सुनन नबी दाऊद के अंदर यह हदीस अटकी हुई है नासमियों के गले में, इसको ज़ईफ भी नहीं कह सकते और थूक भी नहीं सकते, निगल भी नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह पे अल्लाह की करोड़ों रहमतें, उन्होंने यह हदीस लिख दी। 2512 नंबर हदीस किताबुल जिहाद सुनन नबी दाऊद के अंदर वो हदीस लेकर आए हैं कि अबू इमरान ताबी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि हम कुस्तुनतुनिया पे हमले के लिए जब पहुंचे उस वक्त हमारे लश्कर के अमीर अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद थे,
खालिद बिन वलीद के बेटे रदी अल्लाह तआला नो, इधर यजीद का नाम नहीं है। अच्छा, और वहां सईदना अबू यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला नो ने हमें एक आयत और उसकी तफसीर समझाई। अबू यूब अंसारी इस लश्कर में भी मौजूद, वो सारे लश्करों में शरीक रहे कुस्तुनतुनिया के। आयत की तफसीर समझाई और फिर आप अल्लाह की राह में जिहाद में शरीक होते रहे होते रहे होते रहे, कॉन्टिन्यूस, यानी लश्करों में शरीक होते रहे होते रहे, हत्ता के आप इन्हीं में से एक लश्कर में फौत हुए और कुस्तुनतुनिया में दफन हो गए। और वो कहां फौत हुए? यजीद वाले लश्कर में, क्योंकि इसमें वो जिंदा थे। तो अगर दो मलेवी हुए हों कुस्तुनतुनिया पे तो ये पहला है, जिसमें वो जिंदा थे वो पहला है, और इसी में मौजूद है। फिर शरीक होते रहे होते रहे होते रहे हत्ता के एक में फौत हो गए। फौत होने वाला लश्कर बुखारी में, जिंदा वाला ये, लेकिन ये भी तीसरा लश्कर है, लेकिन उससे बहुत पहले है वो सातवां, ये तीसरा। तो पहले लश्कर की जो पेशन गोई है वो सईदना माविया रदी अल्लाह तआला अन्हो के जो भाई हैं यजीद बिन अबी सुफियान, उनके एक भाई हैं, सहाबी हैं, बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी थे, यजीद बिन अबी सुफियान, अबू सुफियान के बेटे, ये यजीद बिन माविया नहीं है। उनको वो लश्कर लेकर रवाना हुए थे कुस्तुनतुनिया पर हमले के लिए सईदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के दौर के अंदर। और कुछ हज़रत माविया का भी नाम लेते हैं, दोनों हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो तमाम साहबा को जन्नती मानते हैं, हमें कोई साड़ नहीं हज़रत माविया जन्नत में जाते हैं, हमें तो खुशी है हुज़ूर के सारे साहबा। हमें यह भी, हम यजीद के बारे में भी नहीं कहते कि वो दोस्त की है या वो लानती है। पूरे लेक्चर में मैंने कई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि यजीद लानती है, ये नहीं मैंने कहा। यजीद लानत का मुस्तहिक हुआ ये मैं डंके की चोट में कहता हूं, कुरान और हदीस से कहता हूं। कुरान में नहीं है लानतुल्लाही अलल काज़िबीन, झूठे पे अल्लाह की लानत। लेकिन आप मेरे सामने झूठ बोले मैं आपको लानती नहीं कहूंगा, लेकिन आपको कहूंगा कि आप इस अमल की वजह से लानत के मुस्तहिक हो गए, तौबा कर ले। अब मैं आपको बताता हूं, उम्मे सलमा ने तो लानत भेजी थी ना अहले इराक में, वो आगे हदीस, ये कंक्लूडिंग हदीस है, उसी पर ही आ रही है। तो यह पूरी मेल मैंने लिख दी है कुस्तुनतुनिया के दोनों लश्करों वाली मैंने डॉक्टर जाकिर नायक को, तो अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। इस वक्त अल्लाह की हुज्जत है दुनिया पे, लेकिन पैगंबर नहीं, गलती उनसे हो सकती है, और मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले में। तो ये 54 हिजरी के अंदर ये मामला हुआ, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया लश्कर वाला। अब आखिरी जो बातें थी, मैंने कहा था 12 मिनट लगेंगे, उनमें से 7 मिनट गुजर चुके हैं, इंशाल्लाह 5-7 मिनट में ये बात भी खत्म हो जाएगी। वो यजीद के 3 सियाह कारनामे सुन लें आप हदीस की किताबों से, जो उसके फजाइल सुनाते हैं ना। तो अब हमने चाहा कि हुसैनियत बयान करनी है तो उसके जरा कारनामे सुनाएं कि उसने क्या क्या कारनामे किए हैं। पहला कारनामा सुने सही मुस्लिम में किताबुल हज चैप्टर में, 3245 नंबर हदीस है कि उसने यजीद ने अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, जो हजरत जुबैर अशरा मुशरा के बेटे हैं और वो भी बनू उमैया के खिलाफ थे, उन्होंने मक्के के अंदर हुकूमत कायम कर ली थी, उनको शहीद करने के लिए, शहीद तो नहीं कर सके उस वक्त क्योंकि यजीद मर गया था पीछे, 64 हिजरी के अंदर सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि उसने मक्के के ऊपर चढ़ाई की, खाने काबे पर मिंजनीक से पत्थर फेंके। ये मुस्लिम के अल्फाज हैं भाइयों, तारीख की रिवायत नहीं है, ये इब्ने तैमिया की लिखी हुई तारीख नहीं है, ये हदीस की किताबें हैं, ये सलाउद्दीन यूसुफ साहब की वो गुस्ताखाना किताब नहीं है, उसाने कर लब करबला वाली जिसमें सारी झूठी रिवायतें जमा कर दी है। ये हदीस सही मुस्लिम की मैं पढ़ रहा हूं, खाने काबे पर चढ़ाई की, मिंजनीक से पत्थर फेंके, खाने काबे का गलाफ जल गया, वहां जो दो सींग थे जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए मेंढा उतरा था, उसके सींग पिछले तकरीबन 3500 साल से वहां मौजूद थे, वो भी जल गए उसके अंदर। लेकिन मैं आपको एक बात यहां ईमानदारी से कर दूं, सलाउद्दीन यूसुफ साहब को ये मेरा पंफलेट पहुंचा है, उनका रिटर्न में जवाब मौजूद है कि मेरा अकीदा वही है जो इसमें लिखा हुआ है। तो मैंने उनकी चूंकि गलत बात की, उनकी किताब गलत चल रही थी, तो मैं साथ उनकी अच्छी बात भी करूं कि उन्होंने मेरा पंफलेट पढ़ के रुजू कर लिया। और ये वो बंदा है कि सऊदी अरब से जो कुरान की तफसीर जिसकी छाप रही है, ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युतीम यशा, इल्म किसी की विरासत नहीं भाई, वो मुझसे 50-60 साल बड़े हैं उम्र में, ठीक है, वल्लाह उन्होंने इसको पढ़ के कहा इसमें कई हदीसें जो मेरे इल्म में ही नहीं थी। हज़रत माविया रदी अल्लाह तआला के फौजी ने अमार बिन यासर को कतल किया था, कहते मुझे पता ही नहीं था, और बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अमार बिन यासर को बागी जमात कतल करेगी। वो आप पढ़ लीजिएगा, मैं वो एक इधर बात सुन लें, एक पूरा लेक्चर मैं इस पर भी दूंगा इंशाअल्लाह ताला जब जिंदगी रही और ये हजम हो गया, और वो लेक्चर होगा राफजियत और नासबियत के ऊपर, अभी मैं सिर्फ यजीदियत के ऊपर एड्रेस कर रहा हूं, उस पर फिर मैं सारे तरफ के पोल भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने जिंदगी दी तो खोलूंगा।
तो यहां पर ये 64 हिजरी का पहला कारनामा, दूसरा कारनामा वाक्या हर्रा, मशहूर वाक्या। ये वाक्या हर्रा कैसे हुआ? जब मदीने में खबर पहुंची कि सैयदना हुसैन को शहीद कर दिया गया, जो मैंने शुरू में कहा कि हजरत हुसैन के फवारे की जरूरत थी कि उम्मत जागती, जागी भी उम्मत। उन्होंने कहा हम यजीद की बैत तोड़ते हैं, जिन्होंने की हुई थी, कई तो वैसे न्यूट्रल हो गए थे, बगावत कर दी उन्होंने। उनका अब्दुल्ला बिन जुबैर की बैत करेंगे। 63 हिजरी के अंदर वाक्या हर्रा फिर हुआ, शर्मनाक तरीन वाक्या, जो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह भी अपनी जुबान इस पर नहीं रोक सके, उन्होंने भी लिख दिया शर्मनाक तरीन वाक्या। मस्जिद नबी में 3 दिन तक घोड़े बांधे गए, लीदे करते रहे, नमाज नहीं हुई वहां पर। अहले मदीना को लूटा गया, अल बदाया वन नहाया, तारीख इब्ने कसीर पढ़े, 1000 औरतों के साथ। मैं इसकी सेहत में नहीं पढ़ता, ना मैं इसको दलील बनाता हूं, मैं वैसे मुस्लिम से हदीसें पेश करूंगा, लेकिन जिनके लिए इब्ने कसीर बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, उनके लिए ये बहुत बड़े फकी है कि 1000 साहबियात और ताबियात औरतों के साथ यजीद की फौजों ने जना किया, आरामी बच्चे पैदा हुए। अब बादशाह वाला सिलसिला ही नहीं था उस वक्त। ये इब्ने कसीर ने लिखा है, इमाम इब्ने तैमिया के शागिर्द ने, तारीख इब्ने कसीर में। तो इसको छोड़ देंगे, मेरी दलील नहीं है, कोई इसको पकड़ के तो तारीख पकड़ना शुरू कर दे। मेरी दलील ये है, बुखारी और मुस्लिम की कितनी हदीसें वाक्या हर्रा के बारे में, कि यजीद की फौजों ने कत्लेआम किया मदीने में, क्योंकि उन्होंने बैत तोड़ दी थी यजीद की। उन्होंने कहा नबी के नवासे को शहीद कर दिया जालमो। हदीस सही बुखारी में किताबुत तफसीर सूरतुल मुनाफिकून की तफसीर के अंदर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4906 नंबर हदीस है, खोल के पढ़ ले। वाक्या हर्रा के दौरान जब मदीने वालों को लूटा गया, कितने सहाबा शहीद हो गए। हजरत अनस हुजूर के गुलाम, 10 साल हुजूर को वजू करवाया, जिंदा थे, ये सारी चीजें देखने के लिए बेचारे इतने गमगीन हुए कि यार सहाबा को शहीद कर दिया इन जालमों ने। तो जैद बिन अरकम ने खत लिखा, ये वही जैद बिन अरकम है जिन्होंने गदीर खुम की हदीस बयान की है। उन्होंने कहा अनस बिन मालिक आप गमनाक क्यों होते हो, क्या अल्लाह के नबी ने हमें नहीं कहा था कि मेरी वफात के बाद अंसार के साथ जुल्म किया जाएगा? ये अहले मदीना अंसार ही है ना, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, अंसार मैं देख रहा हूं तुम्हारे घरों पर फितने बारिश की तरह टपकते हुए मदीने में, मेरे पास सब्र करना यहां तक हौज़े कौसर पर मुझे आके मिलना। तुम पर तरजीह दी जाएगी दूसरे लोगों पर, तुम पर जुल्म किए जाएंगे, लेकिन सब्र करना। पूरी दुनिया एक रास्ते पर चले, अंसार दूसरे रास्ते पर, मैं अंसार के साथ हूं, मेरा जीना मरना अंसार के साथ है। इसीलिए तो हुजूर मदीना शरीफ में दफन हुए हैं, वरना मक्के के साथ हुजूर के 55 साल मक्के में गुजरे थे, प्यार था। इन जालमों ने उनके साथ ये जुल्म किया, मदीने की हुरमत पामाल की, कत्लेआम किया, लूटा। और आप सही मुस्लिम की हदीसें पढ़ के देख लें। अब यह आ गया वो फतवा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा, जिसने अहले मदीना को डराया और धमकाया, अहले मदीना में कोई बिदत जारी की, उस पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत। ये मुस्लिम के अल्फाज है। अब मैंने लानत भेजी है, जिसने काम किया, जिसको फिट उसको गिफ्ट हो गया, जिसको हदीस फिट उसको गिफ्ट। ये सही मुस्लिम के अल्फाज हैं। मैं हदीसें पूरी नहीं पढ़ सकता, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक फजाइल मदीना के चैप्टर में 3339, 3319, 3323, 3330 से लेकर 3333 तक कितनी हदीसें मुस्लिम की हैं। और सही बुखारी की मैं आपको हदीस बयान कर चुका, इसके अलावा सही बुखारी में और हदीसें सुन लें, 2604, 2959, 4024, ठीक है, 4024 में तो सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि जब हजरत उस्मान का कत्ल हुआ, कोई सुलह हुदैबिया वाला बाकी नहीं रहा, कोई बदरी साहबी बाकी नहीं रहा सवाय चंद के, और जब यह वाकया हुआ वाकया हरा, तो कोई सुलह हुदैबिया वाला भी बाकी नहीं रहा। ये बुखारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम हमारी तरह हुसैनी थे पक्के, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई यजीदी नहीं थे, वरना वो ये चीजें छुपा जाते अगर ऐसी बात होती। तो ये बात होगी, ये दो कारनामे मैंने बताए, मक्के के ऊपर चढ़ाई, मक्का भी मदीने के ऊपर चढ़ाई, उसका हुरमत को पामाल करना। और सही मुस्लिम के अल्फाज है कि जिसने अहले मदीना को डराया और धमकाया, अल्लाह ताला इस तरह पिघलाएगा उसको जैसे नमक पिघल जाता है। और यजीद विद इन 2 ईयर्स यजीद की हुकूमत खत्म हो गई, मर गया जो उसने अहले मदीना के साथ जुल्म किया वाक्या हर्रा के अंदर। और तीसरा और आखिरी जुर्म जो यजीद का सबसे बड़ा जुर्म, इनडायरेक्टली सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला की शहादत में वो इन्वॉल्व है। और ये मैं अब बुखारी पढ़ने लगा हूं, जिसके ऊपर महमूद अहमद अब्बासी ने कहा था बुखारी गधे ने भी ये हदीस ले ली है, वलियाज़ुबिल्लाह। शेख जुबैर लिजई साहब के शगीर ने डॉक्टर जाबर दामानवी,
पूरी जिंदगी यजीदी रहे हैं, सिर्फ महमूद अहमद अब्बासी का यह फिक्रा उन्होंने खुद सुना, खुद सुना है यह फिक्रा सुन के उन्होंने तहकीक की और हुसैनी हुए। 50 पंफलेट कराची उन्होंने मुझसे ये वाले मंगवाए और मुझे कहते हैं बेटा तुमने समुंदर कूजे में बंद कर दिया ये वाला पंफलेट 4 सफों में। डॉक्टर जाबर अबू जाबर दमानवी ने पूरी जिंदगी यजीदी रहे हैं, कहते हैं मैं महमूद अहमद अब्बासी को मिलने गया, मैंने कहा ये जो हदीस है बुखारी में जो अब आने लगी, कहते हैं हाँ बुखारी गधे ने भी इस तरह की हदीस लिख दी है। इन गधों के पीछे अहले हदीस चल के तो हज़रत हुसैन के बारे में और यजीद के बारे में बातें कर रहे हैं और यजीद को बिशारतें सुनाते फिर रहे हैं, और एक पूरी जमात है जो यजीदियत लेके खड़ी हुई है, जुल्म की इंतहा है। ये लोग तो बुखारी मुस्लिम को मानने वाले ही नहीं थे, इन मुनकरीन हदीस के पीछे हम लोग चले। तो ये अब आखिरी बात जो मैंने करनी थी, यजीद बिन माविया का तीसरा जुर्म, सही बुखारी इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3748 नंबर हदीस, और ये फजाइले हजरत हुसैन में लेके आया। देखें इमाम बुखारी कैसी हजरत हुसैन के फजाइल में, क्यों वो आगे आ जाएगी बात। और जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3778 नंबर, वो भी हजरत हुसैन के फजाइल में हदीस लेके आए। अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं वहीं मौजूद था, बुखारी के अल्फाज हैं, सैयदना हुसैन का सर लाकर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कूफे के गवर्नर के सामने, कूफी नजदी के सामने ला के रखा गया, यजीद के चहीते गवर्नर के सामने, वो छड़ी से हजरत हुसैन के होठों को यूं छेड़ने लगा। देखो जालमों को शर्म करो या करो, एक बंदे को तुमने इस हद तक पहुंचा दिया अब भी तुम्हारी तसल्ली नहीं हो रही, और कुछ उनकी शक्ल मुबारक के ऊपर कमेंट्स करने लगा। हजरत अनस तड़प उठे, उन्होंने कहा कि अपनी छड़ी पीछे कर, खुदा की कसम हजरत हुसैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा हम शक्ल थे, तू उस सर मुबारक के ऊपर छड़ी फेर रहे। तो ये हजरत हुसैन के फजाइल में इमाम बुखारी लेके, इमाम तिर्मिज़ी, और इमाम तिर्मिज़ी ने फिर किल्ला ठोके आए ना थे नासबियां होते। इससे दो हदीसें बाद 3780 नंबर हदीस लेके आए हैं, और ये पढ़ के मेरा कलेजा ठंडा हो गया। इब्ने उमर का बयान है, कहते हैं कि मैंने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सामने हजरत हुसैन का सर देखा था, और फिर अल्लाह ने मुझे 7 साल के बाद वो मंजर दिखाया कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का सर और उन तमाम खबीसों का सर जिन्होंने हजरत हुसैन को शहीद किया था, मुख्तार सकवी ने सबको कत्ल करवाया ना, उनके सर ला के कूफे की मस्जिद में रखे गए जहां के गवर्नर थे। हमसे पावरफुल कौन है, कूफे का गवर्नर था, उस मस्जिद में ला के उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का सर ला के रखा गया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने हजरत हुसैन के सर के साथ क्या किया था, छड़ी फेरी थी ना नथनों पे। और वो कहते हैं इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को कहा हाजा हदीस हसन उन सही हुन, उस हदीस को भी हसन सही कहा कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने छड़ी फेरी थी। और अल्लाह के वलियों का सही बुखारी में हदीस है किताबुर रिकाक में, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मेरा ऐलान है जंग है उसके खिलाफ। तो इब्ने उमर कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, तिर्मिज़ी के अल्फाज पढ़ रहा हूं, 3780 हसन सही, मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक बहुत बड़ा अजदा नुमाया मस्जिद में आया, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के नथनों में घुसा, ठीक है, फिर दिमाग में से होकर फिर बाहर निकला, 3 दफा उसने यह काम किया और लोग डर के पीछे हटे, फिर वो पीछे चला गया। यजीदियों को सुनाओ जाके कि तुम्हारे अब्बे के साथ क्या हुआ था, अभी तो यजीद के साथ क्या हुआ वो छोड़ दें और क्या होगा। लेकिन मैं यजीद को काफिर नहीं समझता, अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो उसको माफ कर सकता है अगर उसने शिर्क नहीं किया, लेकिन शिर्क के अलावा भी माफी ओपन लाइसेंस नहीं है। वह यकफिर मा दून ज़ालिका लिमन यशा, जिसके लिए चाहेगा माफ करेगा, अगर अल्लाह चाहे तो इस एक जुर्म के ऊपर उसको हमेशा के लिए दोज़ख में भी डाल सकता है, मुमकिन है। हमें कोई नहीं है जन्नत में चला जाए यार। मैं वही बात करूंगा जो मैंने आज आखिरी बात करनी थी, वो आखिरी नसीहत, यही मेरा अकीदा है, आप सुन लें यजीद के बारे में मेरा क्या अकीदा है। इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह जो बुखारी और मुस्लिम के बुनियादी रावी हैं, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के परदादा उस्ताद हैं, इब्राहिम नखी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनका कौल सही सनद के साथ हदीस की किताब में अल मुजमुल कबीर अत्तबरानी में मौजूद है, हदीस नंबर 2829 जिल 3 सफा 112 इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, यही मेरा अकीदा है। उन्होंने कहा अगर बिलफर्ज मैं उन लोगों में शामिल होता जिन्होंने हजरत हुसैन को शहीद किया था,
और क्यामत वाले दिन अल्लाह मेरे इस गुनाह को भी माफ कर देता और मैं जन्नत में भी दाखिल हो जाता, तब भी मैं नबी सल्लम का सामना ना कर सकता जन्नत में भी, कि मुझे रसूलुल्लाह कहीं ये ना पूछ ले तू हुसैन के कातलों में शामिल था। ये इमाम इब्राहिम नखी का कॉल है, इसको हमने आखिरी नसीहत के तौर पे इस पे डाला है, इस पंफलेट पे आखिरी नसीहत, यजीद के तीन कारनामे और ये आखिरी नसीहत, और यही मेरी नसीहत है, ना हम हजरत हुसैन के कातलों के साथ हैं, ना कातलों का दिफा करने वालों के साथ हैं, ना यजीदियों के साथ, ना नासबियों के साथ। अहले सुन्नत का मनज अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ह है, किताब सुन्नत इजमा को हुज्जत मानते हैं, और जहां किताब सुन्नत इजमा में कोई चीज ना मिले इज्तिहाद करते हैं, लेकिन किताब सुन्नत इजमा के खिलाफ नहीं। हमारे पूरे पूरे मनहज पड़े हुए हैं, हमारे तमाम वीडियो लेक्चर्स जो है, हमारी जो वेबसाइट है अभी इंशाल्लाह लॉन्च होने वाली है, उसका नाम भी आप सुन लें इंशाल्लाह अनकरीब हो जाएगी, अहले सुन्नत पाक डॉट कॉम के नाम से, www.ahlesunnatpak.com। अहले सुन्नत के वही स्पेलिंग है जो आमतौर पर चल रहे हैं, AHLESUNNATPAK फॉर पाकिस्तान .com। ये हमारी इंशाल्लाह वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी, ये सारे लेक्चर्स वहां पे रखे होंगे। फिल वक्त हमारे तमाम लेक्चर्स YouTube के ऊपर पड़े हुए हैं, www.youtube.com/user/720085 गूगल में भी आप लिखें 720085 चैनल ऑन YouTube तो डायरेक्ट ये चैनल खुल जाएगा, उसके ऊपर ये चीजें मौजूद हैं। इंशाल्लाह हम अपनी वेबसाइट के ऊपर तमाम पंफलेट रखेंगे, इमाम काबा की आवाज में तलावत और तर्जुमा रखेंगे, वीडियो लेक्चर्स, इस्लामिक डॉक्यूमेंट्रीज रखेंगे इंशाल्लाह, ताकि दुनिया में कहीं भी कोई बंदा उसको अप्रोच कर सके। तो इंशाल्लाह ताला अभी इसका तकरीबन फाइनल हो चुका है, उम्मीद है कि इसको हम लॉन्च कर देंगे। और ये आखिरी बात इस कॉन्टेक्स्ट में आप सुन लें कि मुझे एक बंदे ने पूछा जी आपने 720085 क्यों रखा हुआ है इसका, तो उस वक्त तो हम लोगों ने रैंडमली रखा था, लेकिन अब मैंने इसकी नस्बतें भी ढूंढ ली हैं 720085, क्योंकि हम बरेलवी रहे 31 साल, नस्बतें तो हमें पता है कैसे बनानी है, ठीक है। 720085 क्या है, 72 फिरके 0000 है, कोई नहीं, वो 73वां फिरका नहीं है, वो ताइफा मंसूर है, हुजूर ने फरमाया एक ग्रोह रहेगा हक पर, तो 72 फिरके 00, क्योंकि 72 में दो डिजिट है 00, और 8 है जन्नत के 8 दरवाजे हैं, सही बुखार मुस्लिम में हदीस है, जो वजू के बाद पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक, 8 दरवाजे जन्नत के खुल जाएंगे, और 8 दरवाजे जन्नत के, और जन्नत तक पहुंचने के लिए 5 पाक का रास्ता, 5720085। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका एक सोल्यूशन भी जो है वो पेश कर दिया है, ये कोई शरी दलील नहीं है, ये मंतक के हिसाब से है, इसको कोई किताब सुन्नत की दलील ना समझे, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। सुबहानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह ने जो हक बात हमारे मुंह से निकाली हमारे दिलों में रासिख फरमाए, जो बातिल बात हुई हमारे दिलों से माफ कर दे, किताब सुन्नत और इजमा को हुज्जत मानने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।